हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, मैं अनिल मौर्य, AMS ड्यूएल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का हमारा ये टॉपिक है। दिट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि हम आज वर्कआउट करने वाले हैं और इसका प्रूफ पे भी बात करेंगे, ठीक है। लिपसिट फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर में। तो आइए पहले इसके डेफिनेशन की बात कर लें। तो फंक्शन एफएक्स इज सेट इज लिपसिट ऑन इंटरवल आई सबसेट ऑफ आर इफ देयर एग्जिस्ट एम सच दैट मॉड ऑफ एफएक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन आर इक्वल टू एम हियर लेस देन आर इक्वल टू एम एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू वाई इफ साइलन देयर एग्जिस्ट व्हेनेवर इम्पॉर्टेंट एंड मॉड ऑफ एफ एक्स इसको अगर हम इसके नीचे भेज दें यहाँ पे बिलो में तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई अपॉन एक्स वाई लेस देन इक्वल। सो व्हाट इज द एम? एम इज द कॉल लिप्सिट कांस्टेंट। एम इज द कांस्टेंट इज लिप्सिट कांस्टेंट। तो अब एक ये तो हमारा हो गया आपका जो लिप्सिट फंक्शन है उसके बारे में हमने बात कर ली कि व्हाट इज द लिप्सिट फंक्शन, ठीक है। अब जो लिप्सिट फंक्शन की बात आपने कर ली तो उसके बाद अब हम एक थ्योरम से प्रूफ करने वाले हैं। दैट इज इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज द थ्योरम्स ऑफ दिस। एक थ्योरम्स हमारे पास है कि एवरी लिप्सिट फंक्शन इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, बट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू। इट मीन्स अगर यू सी है सो इट इज नॉट नेसेसरी कि लिप्सिट फंक्शन होगा, बट फंक्शन इज लिप्सिट फंक्शन, ठीक है, देन फंक्शन इज लिप्सिट फंक्शन दैट इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस, ठीक। तो आइए हम प्रूफ पे बात करते हैं इसके। प्रूफ, लेट एफ एक्स इज लिप्सिट फंक्शन। एफ एक्स हमारे पास हमने कंसिडर कर लिया कि एफ एक्स को आपका है लिप्सिट फंक्शन है। तो अब लिप्सिट फंक्शन है तो क्या क्या जरूरत होगी उसकी आपको रिक्वायर्ड आपको है कि एफ एक्स लिप्सिट फंक्शन कोई भी इंटरवल है ऑन इंटरवल आई मान लीजिए दैट इज आई इंटरवल हमने कंसिडर कर लिया देन देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एम सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आई कंसिडर कर लीजिए एक्स वाई बिलोंग्स टू आई, ठीक है, देन क्या होगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन आर इक्वल टू एम मॉड ऑफ एक्स माइनस, ओके, ये आपकी है लिप्सिट कंडीशंस इज द वन। अब यू सी क्या होना चाहिए इसके बारे में हमें चेक करना है कि व्हाट इज द कंडीशंस ऑफ यू सी फॉर यू सी। ये आपको पता है यू सी में क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन आर इक्वल टू इप्सिलॉन, ठीक है, व्हेनेवर मॉड एक्स माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू डेल्टा एंड डेल्टा इज इक्वल टू इप्सिलॉन या अदर जो भी होगा आपका बट इज हियर, ठीक है, इप्सिलॉन ना करके सिंपली हियर एंड इप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा ग्रेटर देन। ये कंडीशंस आपको यहाँ पर देखनी है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फॉर यू सी। तो अब इक्वेशन वन है उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं हम वर्क, एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रॉम वन जो है तो यहाँ पे हम केस नंबर ऑफ केसेस अराइज कर लेते हैं। केस फर्स्ट अराइज कर लेते हैं कि सपोज m इज इक्वल टू जीरो, लेकिन m इक्वल टू जीरो इप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, ओके, ध्यान रखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट है सा कंसेप्ट है ये हमारा एंड इसको बहुत आसानी से समझना आपको है। तो फ्रॉम वन मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई मॉड लेस देन आर इक्वल टू जीरो इन एक्स माइनस वाई, ठीक, एक्स माइनस वाई और दिस इज इक्वल टू जीरो बट इज लेस देन डेल्टा, ठीक है, इज लेस देन डेल्टा मतलब इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, बिकॉज क्योंकि डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई माइनस लेस देन इप्सिलॉन, ओके, दैट इज हियर इप्सिलॉन हो गया आपका हियर एंड एवर
mod of x minus y less than 10. तो क्लियर। अब सेकेंड पार्ट में ले लेते हैं, केस टू कंसिडर कर लेते हैं। केस टू, m इज ग्रेटर देन जीरो, m की वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो एट इट इज कंसिडर कर लेते हैं आप। m की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो कंसिडर कर लेते हैं आप, ठीक है। तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा जैसे लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो लेस देन आर इक्वल टू एम मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ओके। अब देखिए एवरीवन इज नो कि मॉड ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई इज लेस देन डेल्टा। तो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एम डेल्टा, और टेक डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन ऑन एम। और कंसिडर कर लीजिए सिंपली, इज इंपॉर्टेंट, इज ग्रेटर देन जीरो होगा आपका एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एम इन टू एप्सिलॉन अपॉन टेक, दिस इज मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज द इंपॉर्टेंट। And here n the mod of x minus y less than delta, delta greater than 0. So, अब ये हो गया आपका, that is the means जो हमारा function है fx is uniform continuous, ठीक है। ये proof हो गया आपका, that is the proved first part, every Lapsus function is uniform continuous, but अब converse not true है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। जो हमारे पास है कह रहा है कि but converse not true, so fx is a uniform continuous, ये प्रूफ कर लिया। अब जो इसका सेकेंड पार्ट है कि but converse not true, इट मीन्स अगर इफ फंक्शन एफ एक्स इज यू सी बट नॉट लैप्सिस, ये आपको दिखाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सपोज मान लीजिए कि फर्स्ट हम कंसिडर कर सकते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन ले लिया हमने रूट एक्स ऑन 0, 1 कंसिडर कर लेते हैं। तो रूट एक्स इज द यू सी है, ये आपको क्लियर है, इज द इम्पॉर्टेंट है। हमारे पास जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कंटिन्यूस एंड बोथ पॉइंट पर ये लिमिट एग्जिस्ट होने चाहिए, दैट इज बहुत सारे टेक्निक हमारे पास हैं। दिस इज सिंपल यू सी चेक कर लेते हैं फॉर यू सी, ठीक है। जैसे हम कह दें कि के इज बिलोंग्स टू 0, 1 के बिटवीन बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू के एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट के, ठीक है। तो विच इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल के बिलोंग्स टू 0, 1 कंटिन्यूस हो गया। तो दूसरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, दूसरा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट फाइनाइटली एग्जिस्ट, ठीक है। दे इन दो पॉइंट से हम इसको फाइनाइटली एग्जिस्ट हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि जो एफ एक्स इज यू सी, ठीक। ये आपने प्रूफ कर लिया, बहुत बेसिक एंड फंडामेंटल। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि एफ एक्स इज यू सी है। आप यहाँ पे लिमिट को पुट अप करके सिंप्लीफाई कर लो आप, यानी फाइनाइटली यू सी। बट अब हमें दिखाना है कि दिस इज अ लैप्लेस फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है, कि एफ एक्स इज नॉट लैप्लेस फंक्शन।
इट मीन्स मतलब एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई हियर लेस देन आर इक्वल टू एम एक्स माइनस वाई डज नॉट होल्ड. ठीक, मीन्स एम इज द मैक्सिमम वैल्यू जो भी हमारा फंक्शन होगा इस पॉइंट का. एम इज व्हाट? ठीक है, लेप्सिस कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है. तो आइए देखते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल टू क्या होगा आपका, रूट एक्स माइनस रूट वाई. तो टारगेट आपका है एक्स माइनस वाई लाना, तो एक्स माइनस वाई कैसे आएगा, इसको आप रैशनलाइज कर लीजिए, रूट एक्स माइनस रूट वाई, रूट एक्स प्लस रूट वाई अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई. ओके, रैशनलाइज. तो न्यूमरेटर वी गेट एक्स माइनस वाई मॉड, डिनोमेटर दिस इज रूट एक्स प्लस रूट वाई. ठीक, क्लियर. अब इज इक्वल टू वेरी वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन हियर, वन अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई मॉड ऑफ एक्स माइनस. ठीक, अब दिस इज मान लीजिए वन वन, और एक्स वाई जो हमारे पास है, दिस इज एक्स वाई जो बिलोंग्स टू जीरो वन, बात हम कर रहे हैं. तो अगर एज इफ इफ एक्स टेंडिंग टू जीरो एंड वाई टेंडिंग टू जीरो, देयर वी आर अनेबल टू फाइंड मैक्स वैल्यू ऑफ वन अपॉन रूट एक्स प्लस वाई. ठीक है, दैट इज कि वन अपॉन रूट एक्स प्लस रूट वाई टेंडिंग टू इनफाइनाइट एज वाई टेंडिंग टू जीरो. ओके, क्लियर. सो इट मीन्स क्या हो गया आपका, डज नॉट एग्जिस्ट हो गया ये. ठीक है, मीन्स यस दिस इज अ डज नॉट एग्जिस्ट एम, एम आपका जो है ना एम नहीं हो, एग्जिस्ट नहीं हो रहा. सो दिस इज एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई हियर. ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू एम मॉड एक्स माइनस वाई. ठीक है, दिस इज यस हियर, इसको कह सकते हो आप डज नॉट होल्ड. तो इट मीन्स कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स इज नॉट लेप्सिस फंक्शन ऑन जीरो वन. इस पर ये लेप्सिस फंक्शन नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है. इसको इस तरह से हम इसको प्रूफ कर पाए तो बहुत इंपॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स. अब कुछ क्वेश्चन आप ले सकते हो, जैसे मैं क्वेश्चन कर दूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, दूसरा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स. तो बोथ आर दिस लेप्सिस कंडीशन, लेप्सिस फंक्शन एंड यूसी. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. ठीक है, एल एफ है आपका, ये लेप्सिस फंक्शन है बोथ, सो दैट इज द यूसी. तो इस तरह से हम इस लेप्सिस फंक्शन को प्रूफ कर पाए, बहुत इंपॉर्टेंट था. और कुछ क्वेश्चन करेंगे आने वाले इस टॉपिक पर. टेक केयर, थैंक यू.